कम्प्लीटली व्हाइट होता है, और मेरे जो है मेकअप वाले हैं, किसी का मुंह राउंड राउंड होता है जैसे कि ये मेरा वाला है, किसी का थोड़ा लंबा होता है। तो हमारे पास ये जो शलजम है वो 2 पाउंड से थोड़ा सा कम है। तो देखिये हमारे पास यहाँ प्री हीटेड वॉक है, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे तेल, 5 से 6 टेबलस्पून तेल डालेंगे, चूल्हे को कर देंगे मीडियम हाई। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हमारे पास देखें ऑमलेट कट अनियन है जो कि 1 कप के आसपास है, और यहाँ 2 हरी मिर्चों को मैंने स्लाइस कर लिया है, तो ये डाल देते हैं। शलजम के लिए मैंने इग्नोर चाय कहा, तो वो इसलिए कहा कि वाकई में ये इग्नोर्ड है, ये इतना अच्छा है, बेचारा बच्चा है, इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है, बहुत सारा फाइबर है, आयरन है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स है, इवन प्रोटीन है, और हम सब इसको इग्नोर करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए, हमें खाना चाहिए। इसने मुझे डांटा तो मैंने सोचा डांट पड़ रही है तो चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चले आप, अगर ये जो है ना शलजम, इसकी स्किन में अगर बहुत सारे बाल वगैरह हैं तब तो पक्का इसकी स्किन निकालनी जरूरी है, लेकिन अगर स्मूथ स्मूथ है, साफ सुथरी है, कोई मसला नहीं है इसमें, तब स्किन ना निकालेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आगे पीछे से काटते हैं, इसको काटना शुरू कर देते हैं। काटने के लिए भी आप अपने मर्जी से, अपनी चॉइस से, बड़े पीस, स्क्वायर पीस, राउंड पीस, स्मॉल पीस, स्लाइसेस, जो करना हो करें। तो चले मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा वेजेस टाइप के काटती हूँ ताकि शलजम खुश हो ना कि मैंने उसको इतनी अहमियत दी। शलजम गोश्त भी लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है, कोई भी चीज जब सब्जी ऐसे ही अच्छी लगती है ना, तो फिर मैं इसमें गोश्त के साथ कम बनाती हूँ, क्योंकि वैसे ही जब शौक से खा लिया जाता है तो फिर गोश्त क्यों डाले ना। देखिये प्याज को थोड़ी थोड़ी देखिये आसपास से राउंड हो गई है और बाकी सॉफ्ट हो गई है, तो बस एग्जैक्टली इसी तरह से हमें चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं शलजम। और इसमें डाल देंगे साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। चले अब इसको हम थोड़ा सॉटे करेंगे खुश खुश प्याजों के साथ, अदरक लहसुन के साथ। बस इसको हम 2 मिनट सॉटे करेंगे प्याजों के साथ और अदरक लहसुन के साथ। चले 2 मिनट हो गए, अब इसमें हम झटपट जबरदस्त से मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। चले साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। देखिए बिल्कुल आलू ही लग रहे हैं ना, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज्यादा यूनिक होता है, इसको बताना जरा, एक्सप्लेन करना जरा डिफिकल्ट है कि ये किसके जैसा है, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, कोई इसके जैसा नहीं है, ये किसी जैसा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रांगली स्टैंड करता है। चले अब थोड़ा सा पानी डालते हैं 1 टेबलस्पून के आसपास। जब हम शलजम के पीसेस बड़े करते हैं ना, तब सब्जी मजे की बनती है, इसकी वजह कि भूनना वूनना और पकना शकने में मसाले वगैरह खूब लिपटते हैं, घुसते हैं, चिमटते हैं, मजे के हो जाते हैं। और अगर छोटे छोटे पीसेस करते हैं तो वो सारी चीजें करें उससे पहले वो गल जाते हैं, लेकिन फिर भी चॉइस इज योर्स, यू आर योर ओन बॉस। देखिये इनका ओरिजिनल मेकअप छुड़ा के मैंने अपना मेकअप कर दिया। कितने प्यारे लग रहे थे, अब ये अलग तरह के प्यारे लग रहे हैं। बस इसी तरह 3-4 मतलब 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के
भूनेंगे, एक मिनट में एक दफा एक टेबलस्पून डाल देंगे। देखें 4-5 मिनट हो गए हैं और ये बड़े अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है और ये बड़े खुश खुश से लग रहे हैं। तो चले अब इनको हम पकने के हिस्से का पानी डाल के और दम पे लगाएंगे। तो चले ये 1 कप पानी चला गया और इसमें अब हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं हो तो आप छोटे छोटे टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, भूनते हुए भी डाल सकते हैं, और अगर प्यूरी है तो अभी डाल दें। चले अब देखें कितने खुश खुश है, टमाटर के पानी में मजे से पकेंगे। चलो इसको कवर करते हैं, हमारे शलजम गल ना जाए जब तक पकाते हैं। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, मीडियम हाई था तो मीडियम कर देते हैं। तो चले मिलते हैं शलजम के गलने पर। देखिए 10 मिनट हो गई, खोल के देखते हैं, खुशबू में बड़ी आ रही है।